अमदावाद भाजपाना दिल्हीना सांसद प्रवेश सिंह वर्मा विवादमां सामे आव्या छे। तेमनी संस्थाए गुजरातना दुधई गाममां गैररीति आचरी होवानी माहिती सामे आवी छे। पुनर्वसनना नामे गामनी सरकारी जमीन ट्रस्टना नामे करी कौभांड आचर्युं छे। केटलीक दुकानो भूकंप पीड़ितोने आपी बाकीनी बारोबार वेची दीधी। भाजपाना दिल्हीना सांसद प्रवेश सिंह वर्मा विवादमां सामे आव्या छे। तेमनी संस्थाए गुजरातना दुधई गाममां गैररीति आचरी होवानी माहिती सामे आवी छे। पुनर्वसनना नामे गामनी सरकारी जमीन ट्रस्टना नामे करी कौभांड आचर्युं छे। दिल्हीना पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मानी राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्थाए दुधई गाम दत्तक लीधुं हतुं। साहेब सिंहना पुत्र सासंद प्रवेश वर्मा संस्थानुं संचालन करे छे। कांग्रेस महामंत्री विके हुंबले कह्युं के वर्ष 2001 कच्छना भूकंप बाद अनेक संस्थाओए पुनर्वसननी कामगीरी करी भूकंप पीड़ित परिवार ने मकान आप्या, जरूरी सुविधाओ उभी करी आपी। राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्थाए मात्र 6 मा गाम तैयार कर्युं, जेनुं अटल बिहारीए लोकार्पण कर्युं। जो के एक पण घरमां शौचालय न बनाव्युं, उपरांत फ्लोरिंग बराबर न हतुं। आजे 22 वर्ष बाद पण संस्था दुधई गाममां अडिंगो जमावी बैठी छे अने अनेक सरकारी जमीनों पर दबाण कर्युं छे। केटलाक सर्वे नंबर संस्थाए खरीद कर्या, बिन खेती जमीन न होय तेना पर गैरकायदे बांधकाम कर्या, शॉपिंग सेंटर बनाव्या, केटलीक दुकानों भूकंप पीड़ितोने आपी बाकीनी बारोबार वेची दीधी। सरकारमां प्रीमियमनी जे रकम भरवानी थाय छे ते भरी नथी। आ उपरांत संस्थाए जे मकान बनाव्या हता ते पैकी 150 मकानों पोतानी पासे राखी खानगी व्यक्तिने वेची दीधा छे। भूकंपना 22 वर्ष बाद पण आजे दुधईमां अनेक लोको मकान विहोणा छे। गाम वसाव्या बाद हजू ते ग्राम पंचायतने सुप्रत करायुं नथी। जे कॉम्युनिटी हॉल बनाव्यो छे तेनुं 25,000 भाड़ू संस्था वसूल करे छे। ग्राम पंचायतने विकासनुं कोई काम गामनी जमीन पर करवा देवामां आवतुं नथी। पोलीस स्टेशन अने पोस्ट ऑफिस पासेथी भाड़ू वसूल करे छे। जे स्कूल अने कॉलेज चाले छे तेमां मोटी फी वसूल करवामां आवे छे। खानगी कंपनीना कर्मचारीओने मोटा भाड़े मकान भाड़े अपावामां आवे छे। संस्थाना मैनेजरे 22 मकानो पोताना नामे कराव्या छे। सरकारे पुनर्वसन माटे 35 एकर जमीन फाळवी हती। गैरकायदे बनेला मकानो अने कॉम्प्लेक्स अंतर्गत लैंड ग्रेबिंगनो केस दाखल थवो जोईए तेवो आक्षेप कांग्रेस नेताए कर्यो छे।